महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव 84 महादेवों में 61वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राकृत कल्प में अश्ववाहन राजा की पत्नी मदन मंजरी यूं तो सुंदर और सुशील तथा पतिव्रता थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह हमेशा ही राजा द्वारा प्रताड़ित रहती थी, क्योंकि राजा जब भी उसका स्पर्श करता तो राजा को मूर्छा आ जाती थी। एक बार क्रोधित होकर राजा ने मदन मंजरी को जंगल में भेज दिया। तब उसने वहां साधनारत एक तेजस्वी मुनि से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय पूछा। उस मुनि ने अपने तपोबल से जाना कि कन्यादान के समय राजा पर पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण ही मदन मंजरी का यह हाल हुआ है। तब उस तेजस्वी मुनि ने मदन मंजरी को महाकाल वन स्थित इस सौभाग्य देने वाले दिव्य लिंग की उपासना करने को कहा। रानी द्वारा वैसा ही करने पर उसे सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति हुई। मदन मंजरी का दुर्भाग्य समाप्त कर उसे सौभाग्य प्रदान करने के कारण इस दिव्य लिंग को तभी से सौभाग्येश्वर के रूप में प्रसिद्धि मिली। इसके दर्शन से स्त्रियों का सौभाग्य प्राप्त होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।